God is good all the time. God is good. From Sermon on Continued Paragraph, from the Sermon of Mount, Bible reading, a book of Matthew, chapter 5, verse 6. Mapalikhane, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ya blessed hai John bole, John ke dil mein bhook hai aur pyaasa hai, dharmikta ke usdin, aur unke parmeshwar bole, fill kare. जब जीसस यहाँ righteousness के बारे में बात करता रहा, जीसस कौन सी गेन करता रहा? अगर हम लोग ancient Judaism में जाए, righteousness के मतलब है, धार्मिकता के मतलब है, to have a right relationship with God, या to have a restored relationship with God, कि हम लोग के रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है. जो righteous person है, जो एक धार्मिक person है, वो अपना relationship God के साथ में ठीक रखे. जब हम लोग राइचस रहेगा, जब हम धार्मिक रहेगा, हम लोग के दिल के डिजायर है कि हम लोग गॉड के प्लीज करेगा. हम लोग के दिल में डिजायर है कि हम रोज गॉड के वर्ड स्टडी करेगा. हम लोग ट्राई करेगा स्क्रिप्चर्स अपना लाइफ में अप्लाई करें. वी विल ट्राई टू लिव बाय बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स. और जब हम लोग गिर भी जाएगा, तब हम लोग अपना घुटना में जाएगा और बोलेगा परमेश्वर से कि हम पे दया कर, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी फॉर आई एम अ सिनर. तुम्हारे दिल में दुख रही, तुम्हारे दिल में ग्रीफ रही, तुम गॉड के देश में रॉन्ग करा है और तुम सीख करेगा रिकॉन्सिलिएशन एंड फॉरगिवनेस विद गॉड. तुम मांगेगा कि तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक रहे. हम देखते हैं बाइबल में डेविड के फॉर एग्जांपल, जब डेविड व्हेन डेविड फेल फ्रॉम ग्रेस, जब डेविड पाप करिस, डेविड बोले लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन मी आई एम अ सिनर. डेविड के दुख लगा, ही क्राइड आउट, ही ग्रीव्ड ओवर हिज सिन. गॉड बोले डेविड के ही इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट. Proverbs 24:16 कहता है, for though the righteous falls seven times, they rise again. चाहे righteous person seven times भी गिरे, but फिर उठे, उठ के खड़ा हुए. हम देखता है जीसस के टाइम पे जो फरीसी रहा, जो religious leaders रहा, वो लोग सोचता रहे कि लोग righteous है, वो लोग सोचता रहे कि लोग धार्मिक है, वो लोग सब रकम के rituals, duties, temple में perform करता रहा, और हम अच्छा से ड्रेस करता रहा, अपना क्रिस्टली गार्मेंट्स पहनता रहा, बट जीसस बोले उनके हार्ट गॉड से दूर है और उनके दिल परमेश्वर से दूर है. जीसस और उनके बोले हिपोक्रिट से, जीसस और उनके सेल्फ राइचसनेस के रिब्यूक करे. जो सेल्फ राइचसनेस है वो बहुत डेंजरस चीज है. बहुत टाइम हम लोग सोचता है हम लोग बहुत होली है, हम लोग बहुत स्ट्रांग है, हम लोग अपना आप के प्राइड करता, हम लोग घमंड करता कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, हमारे तन कोई नहीं है. हम लोग जब हम चीज करता है, we are in danger of committing a sin called spiritual pride. हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल प्राइड आ जाए. For example, they say Pharisees not. जब एक फरीसी के बारे में example दे बात कि when a Pharisee went to pray, Pharisee police बोले, Lord, I'm not like other people. I'm not बोले कि हम चोरी नहीं करता है, हम evil नहीं करता, हम adultery नहीं commit करता, हमें tax collector का नहीं है, हम twice a week fast करता, हम अपना tithe देता है. काफी time हम लोग भी Pharisees के काम हो जाता है, हम लोग boast करता, हम लोग अपना spirituality के बारे में बड़ाई करता है कि हम कितना right है. When we begin to boast in our righteousness, we become self-righteousness. जब हम लोग बड़ाई कर लेते हैं, हम कितना राइचस है, हम कितना धार्मिक है, तब हम लोग सेल्फ राइचस हो जाता है. जब हम सेल्फ राइचस हो जाता है, जीसस बोला सेल्फ राइचस के कंडेम करे, बोले हम लोग हिपोक्रिट से. जब हम लोग अपना हम लोग देखता है फरीसीस को अपना राइचसनेस कंपेयर करता है दूसरा पीपल से, जब हम लोग भी अपना आप के कंपेयर करता है आधा सीन से या आधा क्रिश्चियन से, जो क्रिश्चियन वीक है, देन वी एलिवेट आवर सेल्फ एज राइचस एंड वी हैव बिकम लाइक द फरीसीस. We become self-righteous and according to Jesus, we become hypocrites. जब हम लोग अपना आप के elevate करता, ऊपर ले जाता है कि देखो हम कितना righteous हैं, कितना holy हैं, हम sin नहीं करता, हम पाप नहीं करता, हम ये नहीं करता, जब हम boast करता अपने बारे में, और जो हम लोग से weak है, जब उसके हम finger point करता, we become self-righteousness. और self-righteousness is a sin of spiritual pride. और Jesus बोले, we become hypocrites. जब हम लोग boast करता, कि हम लोग God को sin ये करता, वो करता, जिसे फरीसी बोले हम ट्वाइस अ वीक फास्ट करता, हम अपना टाइट देता, फरीसी बोस्ट करे, बड़ाई करे, एंड इट्स बिकम सेल्फ राइचसनेस. फास्टिंग अच्छा है, इट्स गुड यू फास्ट, अच्छा कि तुम टाइट देता है, इट्स गुड कि तुम
तुम झूठ नहीं बोलता, तुम चीट नहीं करता, तुम अडल्ट्री नहीं कमिट करता, इट्स गुड, बट हम लोग कभी उसके बड़ाई नहीं करें, हम उसके बारे में बोस्ट नहीं करें कि हम कितना होली है, कितना राइटियस है। हम लोग देखते हैं अपोस्टल पॉल, जॉन बूथ हेड ऑफ द गॉस्पल, जो आज हम लोग के पास है, अपोस्टल पॉल गॉस्पल लिखी, हम लोग कितना चीज अपोस्टल पॉल से सीखा। बट सेकंड कोरिंथियंस 12:9 में अपोस्टल पॉल बता है, I will gladly boast in my weakness. Apostle Paul, इतना बड़ा apostle रहा, but वो boast नहीं करता रहा। कौन सी? What does Paul mean by that? जब Paul बोले, I will gladly boast in my weaknesses. Paul realize करे कि एक sin है, और उसके weakness, उसके sin, humbly उसके God के लिए lead करे into repentance. Paul admit करे कि उसके life में weaknesses है. In doing so, he is showing his limitations. देखा है कि वो लिमिटेड है, वो एक फरीसी का काम नहीं है, वो एक रिलीजियस नहीं है। पॉल अपना रिचेस्टस में बड़ाई नहीं करे, पॉल नहीं बोले कि देखो हम कितना होली है, पॉल नहीं बोले देखो हम कितना सोल्स क्राइस्ट कल के विन करा, पॉल नहीं बोले कि टू थर्ड ऑफ द गॉस्पल्स, मेजॉरिटी ऑफ द गॉस्पल्स हम लिखा है न्यू टेस्टमेंट में, पॉल नहीं बोस्ट करे कि वो पाप नहीं करे, वो रिचेस्टस है, होली है। बट पॉल हम लोग के पता है रोमन्स में Our righteousness is like filthy rags. जो हम लोग के righteousness है, एक मैला फटा कपड़ा के रखा में। और Paul गिनती के बताए, बोले I am the worst of sinners. Paul boast करे God के strength में। Paul बड़ाई करे कि God उसके strength दे से। और सब glory और honor Paul God के दे। जब हम लोग God के पास आता है, अपना weakness देके, when we come to God with our brokenness and humility, हम लोग depend करता God पे। हम लोग डिपेंड करता है गॉड के स्ट्रेंथ में, जब हम लोग सीख करता है गॉड के, हम लोग सीख करता है गॉड हम लोग सही रास्ता देता है, गॉड हम लोग गाइड करे। वी नॉट रिलाय ऑन आवरसेल्व्स, आवर स्ट्रेंथ, हम लोग अपना आप में नहीं रिलाइज करता है, अपना स्ट्रेंथ में नहीं रिलाइज करता है, रिलाय करता है, बट हम लोग के राइचियसनेस गॉड से है, क्राइस्ट हम लोग के राइचियसनेस से, हम लोग के राइचियसनेस डिपेंड बाय क्राइस्ट। द इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है, In doing so, we develop a meaningful relationship with God. जब हम God के पास आता है, अपना strength में नहीं, पर जब हम realize करता है कि God के strength और through Christ हम लोग we are made righteous. In doing so, हम लोग एक meaningful relationship God के साथ create करता है. हम लोग के worship strengthen हुए, हम लोग के worship increase हुए. हम लोग God के close आता है. जब हम लोग God के close आता है, तो हम लोग कभी boast नहीं करेगा. बड़ाई नहीं करेगा कि हम कितना righteous है। हम लोग जानेगा जो कुछ भी हम लोग है, it is through God। हम लोग देखता है बाइबल में कितना great man of God। For example, apostle Paul के बारे में इसे बोला रहा। apostle Peter, जब Jesus उसके पास है समुंदर में, apostle Peter बोली Lord से, he said, when he saw the Lord, he said, depart from me, Lord, for I am a sinful man. apostle Peter लॉर्ड से बोली हमसे दूर चला जाओ, हम एक पापी इंसान है। लोग देखता है प्रोफेट इसाया बोली लॉर्ड आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, किंग डेविड बोली क्रिएट इन मी ओ लॉर्ड अ क्लीन हार्ट एंड अ प्योर स्पिरिट इन मी। हम लोग देखता है बाइबल में इतना ग्रेट मैन ऑफ गॉड, गॉड को माइटली यूज करिस, बट ओलोन कभी अपना राइटियसनेस में घमंड नहीं करिस, ओलोन शो करिस कि दे वर राइटियस बट दे एडमिटेड They were sinners in need of God. भले लोग righteous था, but उन्होंने कभी अपना righteousness में घमंड नहीं करी। उन्होंने देखा इसकी, उन्होंने sinners है, उन्होंने पापी इंसान है, उन्होंने God के need है, उन्होंने boast नहीं करी, उन्होंने कितना holy है, उन्होंने boast नहीं करी, उन्होंने God को सिर्फ कितना चीज करे, apostle Peter कितना चीज God को सिर्फ करी, Isaiah सबसे major, उनका major prophets रहा Bible में, King David, he was a mighty king of Israel. बट उन्होंने अगर लाइफ स्टडी करे, उन्होंने कभी अपना राइटियसनेस के बारे में बोस्ट नहीं करी, बट उन्होंने अदरवाइज बोली, जैसे अपोस्टल पीटर बोली डिपार्ट फ्रॉम मी लॉर्ड फॉर आई एम अ सिनफुल मैन, प्रोफेट इसाया बोली लॉर्ड आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, और किंग डेविड बोली लॉर्ड क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट एंड अ प्योर स्पिरिट इन मी। हम लोग कौन से सीखे? जो ग्रेट मैन ऑफ गॉड रहा, उन्होंने देखी उन्होंने गॉड के आगे एक वीक वेसल है, उन्होंने देखी कि उन्होंने गॉड के आगे सीनस है, दे आर सीनस इन फ्रंट ऑफ अ होली गॉड। जब उन्होंने देखी कि उन्होंने एक पापी इंसान है गॉड के आगे, तब गॉड उन्होंने यूज करी, एंड दे वर मेड राइटियस थ्रू क्राइस्ट जीसस, एज रोमन्स 5:1 सेज,
Therefore, since you have been made righteous through faithfulness, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. यहाँ पर कौन सी बताया बोले who makes us righteous? कौन हम लोग के righteous बनाए, किसके द्वारा हम लोग righteous बनता है? It is Jesus Christ's faithfulness. Jesus Christ के faithfulness हम लोग के righteous बनाए. उसके death on the cross, उसके shedding of the blood that makes us righteous. It's not what we have done. हम लोग कुछ नहीं करा, but जो चीज जीसस करी से क्रॉस पे, हम लोग कुछ सिर्फ क्रॉस पे मरी से अपना खून भाई से हम लोग के पाप से क्षमा करी से, that's what makes us righteous. तबे बाबा बता है, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. बोले जोन के भूख के और जोन के प्यास से righteousness के धार्मिकता कुछ दिन और उनके परमेश्वर फील करी. जब हम लोग कहे हम लोग क्राइस्ट के लगाया, why did we come to Christ? Because we are not righteous, we are not righteous. We are saved through the righteousness of Christ. हम लोग बचा है सिर्फ Christ के righteousness के कारण. Now coming back to the Pharisees, मतलब जो Pharisees रहा, they used to look down on sinners. जो पापी इंसान के लोग नीचा देखा था, वो लोग सोचता है कि वो बहुत important है, वो लोग सोचता है कि वो बहुत powerful है, वो लोग अपना title में उनके घमंड रहा, वो लोग के position में घमंड रहा, वो लोग के wealth में घमंड रहा, वो लोग के जो status है society में और उससे घमंड करता रहा, और सोचता रहा कि हम righteous है, but और उनके दिल परमेश्वर से दूर रहा, they were hearts were far from God. आज हम लोग भी अपना लाइफ का एग्जामिन करें, कि हम लोग फरीसी के रखा में कि नहीं, कि हम लोग बोस्ट करता, हम लोग बड़ाई करता, हम लोग कितना होली है, हम सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, और हम लोग क्रिटिसाइज करता, कंडेम करता, जो क्रिश्चियन हम लोग से वीक है, देखो वो लोग ऐसे करे, पर हम ये रखा में जब हम इसे करता है, we are danger of committing a sin called spiritual pride. हम लोग लाइफ में spiritual pride आ जाए, और spiritual pride एक बहुत dangerous thing है. जब हम सोचते हैं कि हम बहुत spiritual हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत strong हैं, हम लोग का रतन कोई नहीं है, then we are in danger of committing that sin of spiritual pride. जब हम घमंड करता है, हम लोग अपना लाइफ के examine करें, कि हम लोग कौन जगह अपना लाइफ में है, कि हम लोग righteous हैं, कि हम लोग के लाइफ में self righteousness है. जब आप एक righteous person रहेगा, तुम humble रहेगा. अगर तुम righteous person रहेगा, you'll be clothed in humility. A righteous person के life में घमंड नहीं रहे. A righteous person देखिए उसका जो काम है, instead of filthy rags, जैसे बाइबल बताता है, हम लोग के works of righteousness are like filthy rags, मैला फटा कपड़ा के समान है. हम लोग कभी boast नहीं करेगा, हम लोग कितना holy है. जब हम God के पास आएगा, we'll come to God with a broken spirit, that His righteousness works in front of कि हम जानेगा कि हम लोग के righteousness एक holy God के आगे कुछ नहीं है. हम लोग God के जब पास आएगा, हम लोग बोलेगा Lord have mercy upon me a sinner. हम लोग अपना के humble करेगा in front of a holy God. We will stand in awe and reverence before God. हम लोग सकता है चेयर जाए कितना साल से, हम लोग सकता है टाई और सूट पहने, हम लोग सकता है ऊपर नीचे कूदे चर्च में, you can shout all you want, सकता है emotional experience करें, you can put an act or show in the church, but please don't take me wrong, उचित कुछ गड़बड़ नहीं है, but क्या हम लोग practice करता है, जो चीज़ हम preach करता है कि नहीं, are we living right or not? When you come to church, we feel God. जब हम church आता है, हम लोग God के feel करता है, हम लोग God के touch feel करता है, we feel His sweet presence, हम लोग रोता है, we get emotional, you will feel love, you know, love feel करता है, तुम्हें पीस फील करता है और जॉय फील करता है. बट एक की इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, अ राइटियस पर्सन नॉट ओनली हैज इमोशनल एक्सपीरियंस बट ही नोज गॉड. अ राइटियस पर्सन खाली इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं खाली फील करे, बट ही नोज गॉड. डिफरेंस इज व्हेन द राइटियस पर्सन हैज दोस डिफिकल्ट मोमेंट्स, इवन व्हेन ही डजंट फील लव, ही नोज गॉड इज लव. अ राइटियस पर्सन के लाइफ में जब वो डिफिकल्ट मोमेंट आवे, जब वो लव नहीं फील करे, but who jane ki God is love, even though who feel nahi kare peace, but he knows that God is peace, aur peace mein rahe.
even though when it doesn't feel joy, वो जाने कि in God there is fullness of joy. तब हम देखता है, that's why a person who has emotional experience जल्दी से गिर जाए, they easily fall away. जो person खाली emotional experience feel खाली experience करे, वो लोग easily से गिर जावे. तब तुम देखता हो, एक ट्रिंग चर्च में एक दिन लोग चर्च में नहीं रहे. You see them dancing in church, the next day you see them dancing in the nightclub. वो लोग चर्च में आके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड शाउट करें, next day they are shouting at their husband and wives. They are shouting at their neighbors. So they are having an emotional experience. काफी जन emotional experience करे, but वो लोग God के नहीं जाने, who God really is. तब ये लोग दुनिया में चले, तब ये लोग backslide हो जाए, कुछ problem है, they easily backslide. Because वो लोग अपना life emotional experience में build करे. The question is, क्या तुम God के जनता है कि नहीं? अगर तुम God के जनता है, तुम perfect peace में रहेगा. भले तुम्हारा life में strong चली, strong सबके life में आएगा. Difficulties आई, but अगर तुम God के जानेगा, you will stay in perfect peace. Because तुम जानेगा कि God is on the throne. God is in control. जब तुम feel करेगा तुम्हारा prayers नहीं answered हुए, you will be in perfect peace. तुम जानेगा कि God control में है. जब तुम घबराएगा, तुम panic होएगा, तुम उसके पास नहीं जाएगा. तुम trust करेगा Lord में. तुम जानेगा कि तुम्हारा strength Lord में आए. A righteous person will be strong under pressure. He'll be resilient. A righteous person, get no pressure in his life, may be strong, be resilient, give up, nahi rahi. But now, if the Bible looks at number of examples, for example, Job ke baare mein sab koi jaane story. Baar bataye, matlab Bible mein Job ke life mein kitna bhari pressure tha, but Job kya give up uski nahi? Unhe give up hua. He was strong. He was resilient. लगता है जोसेफ सेम थिंग. जोसेफ के लाइफ में कितना भारी प्रेशर है, बट जोसेफ स्ट्रॉन्ग रहा, रेजिलिएंट रहा, गिव अप नहीं हुआ. दे वर राइटियस पीपल. बाइबल बता है, ब्लेस्ड आर दोस हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस, फॉर दे विल बी फिल्ड. मतलब जोन के भूखे और जोन प्यासा है धार्मिकता का, उस दिन गॉड उनके फिल करे. जब हम लोग के प्यास लगे, हम लोग कुछ करता, चर्च लुक फोर्ड करे, हम सेलिब्रेट अटेंड करेगा. वो लुक फोर्ड करे एवरी मॉर्निंग, हम उठ के सबसे फर्स्ट थिंग अपना फोन नहीं देखेगा. फेसबुक पे कितना कमेंट है, कितना लाइक है, कौन कौन मैसेज करे, कितना हमारा फॉलोअर्स है. बट फर्स्ट थिंग तुम उठेगा मॉर्निंग में, तुम प्रेयर करेगा, तुम बाइबल पढ़ेगा, तुम मानेगा नौ अच्छी सीखे परमेश्वर के बारे में. यू वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड मोर एंड मोर एवरी डे. तो अपना लाइफ सेट करेगा कि लाइफ में कौन चीज है जो चीज गॉड के बगल से नहीं है, तुम मांगो चीज अपना लाइफ में से निकाले. यू लिव अ लाइफ ऑफ कंसेक्रेशन बिफोर गॉड. माय लाइफ गॉड का एक डेडिकेटेड ट्री, होली लिविंग ट्री. तुम टीचेबल रहना, माय टाइटल विल मीन नथिंग टू यू. चाहे तुम रेफरेंट है, डॉक्टर है, कुछ भी है, माय टाइटल विल मीन नथिंग टू यू. तुम्हारा पोजिशन तुम्हें नहीं कुछ मीन करी. माय वेल्थ, माय प्रेस्टीज सोसाइटी में, माय कोलीग्स, माय अकॉम्प्लिशमेंट्स विल मीन नथिंग टू यू. तुम्हारा लाइफ रे, इट्स ऑल अबाउट गॉड, इट्स ऑल अबाउट प्लीजिंग गॉड, इट्स ऑल अबाउट वर्शिपिंग गॉड, इट्स ऑल अबाउट ग्लोरीफाइंग गॉड. सब चीज तुम्हारा लाइफ में गॉड के बारे में, इट्स ऑल अबाउट व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू. एंड यू विल बी लिविंग अ लाइफ ऑफ होलीनेस एंड कंसेंट्रेशन बिफोर गॉड, लिविंग इन होली फियर एंड रेवरेंस बिफोर गॉड. इवन तुम अदर पीपल के संग भी, यू विल बी एबल टू टॉलरेट अदर पीपल. जोन ब्रदर्स और सिस्टर्स दूसरा डिनोमिनेशन से आवे, चाहे वो जी है बैप्टिस्ट है, मेथोडिस्ट है, ब्रदरन से प्रेस्बिटेरियन है, भले उन लोगों के डॉक्ट्रिन डिफरेंस है, भले उन लोगों के स्टाइल ऑफ वर्शिप डिफरेंस है, तुम उनके जज नहीं करेगा, तुम उनके क्रिटिसाइज नहीं करेगा, तुम उनके देख के हंसेंगे नहीं, बट तुम सबके ट्रीट करेगा विद रिस्पेक्ट. यू ट्रीट एवरीवन विद लव एंड रिस्पेक्ट. तुम्हें एक जोन छोटा काम करे कंपनी में, जोन जोन क्लीनर है उसके तुम रिस्पेक्ट से ट्रीट करेगा, इधर से तुम अपना सुपरवाइजर या मैनेजर के ट्रीट करेगा रिस्पेक्ट. चाहे कोई भी जात के पर्सन रहे,
tomorrow ke treat karega with love and respect. Koi bhi dharm ke rahe, you love them and you respect them. Koi bhi political views ke rahe, person rahe, you love them and you respect them. बाइबल बता है, for they will be filled. John के भूखे और प्यास से परमेश्वर के उसने they will be filled. Filled के मतलब कौन सी है? अगर हम physical terms में अगर बात करें, जब हम लोग कुछ when we do good to someone, कुछ ना कुछ अच्छा करता है, तुम कैसे feel करता? When you help someone, तुम happy feel करता, तुम good feel करता, तुम satisfied feel करता कि तुम कुछ अच्छा करा, तुम कुछ constructive करा, तुम कोई के help करा, कोई जन hungry रहा, तुम्हें खाना दिया, तुमको एक शेल्टर प्रोवाइड करा, तुम एक पुअर स्टूडेंट के हेल्प करा स्कूल फीस से, तुम क्लोथिंग दिया, ग्रोसरीज दिया, तुम कैसे फील करता? यू फील हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड. हाय, बिकॉज़ दैट इज पार्ट ऑफ गॉड्स कमांड टू टेक केयर ऑफ दोस हु आर नीडी अराउंड यू. तुम कैसे फील करेगा? यू विल फील गुड, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. बट स्पिरिचुअली हम देखे, जब हम फर्स्ट और हंगा करेगा राइटियसनेस के उसके इन अदर वर्ड्स, जब हम गॉड के सीक करेगा, जब हम गॉड के प्लान के सीख करेगा, गॉड के डायरेक्शन अपना लाइफ में सीख करेगा, जो चीज गॉड मांगे उसी समय अपना लाइफ में करेगा, देन यू विल हैव जॉय इन योर लाइफ, यू विल हैव दैट सेटिस्फेक्शन. जो सेटिस्फेक्शन दुनिया नहीं सकते, जो जॉय तुम्हें परमेश्वर दे वो जॉय तुम्हें दुनिया नहीं सकते. बोले हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग्स. जब हम लाइफ कुछ अच्छा हो तो हम हैप्पी फील करता, बट हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड. जब हम फॉर एग्जांपल नो अमाउंट ऑफ टाइम हैप्पी रहता है, दुनिया के टाइटल्स हम लोग नहीं सकते. दैट सेटिस्फेक्शन कम्स फ्रॉम लिविंग राइट बिफोर गॉड. जब हम सीख करेगा गॉड के, जब हम हंगा एंड थर्स्ट करेगा राइटियसनेस के, गॉड हम लोग के दैट अनस्पीकेबल जॉय से फील करे, विल फील दैट अनस्पीकेबल जॉय ऑफ द लॉर्ड इन आवर लाइफ. कोई अमाउंट ऑफ मनी दिस वर्ल्ड कैन गिव अस दैट जॉय. द जॉय एंड सेटिस्फेक्शन दैट गॉड गिव्स अस इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. जो जॉय सेटिस्फेक्शन गॉड दे हम लोग इसको डिस्क्राइब करें, which is something we cannot fathom or we can imagine, which is something that explain kare ya hum is the words put kare ki describe kare jo joy parmeshwar ke bagal se aaye. That unspeakable joy and satisfaction comes from living a life that is pleasing to God. Wo joy or satisfaction kab bhai jab hum log ke life God ke please kare. Aur last mein ek banda bataya, jaise John 6:35 bataya, Jesus says I am the bread of life. And he also says that whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Jesus bata ki wo bread of life hai. Na jo hamare paas hai kabhi kabhi bhooka nahi rahe, kabhi kabhi pyaasa nahi rahe. Kya people agar physical sense mein baat kare, kya hum bread khata, kya hum roti khata to sustain physical life. Agar hum khana nahi khate to you will die, you will physically die. Aur अगर स्पिरिचुअल सेंस में ले लो, अगर हम स्पिरिचुअली अपना लाइफ के नहीं सस्टेन करेगा, तो हम लोग बचे हम लोग स्पिरिचुअली मर जाएगा. अगर हम लोग के रिलेशनशिप गॉड के साथ में, जीसस के साथ में राइट नहीं रही, देन वी विल डाई स्पिरिचुअली. हम लोग के डेली ब्रेड जीसस है. जीसस क्राइस्ट मस्ट बी इनवाइटेड इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ. ही मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. अगर हम लोग अंतर स्पिरिचुअली जिंदा रहे, हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअली सस्टेन करें, तब हम लोग के चाहिए और वी नीड टू इनवाइट जीसस इनटू आवर लाइफ डेली. उसके मतलब है कि हम लोग अपना टाइम निकालेगा प्रेयर करके, हम लोग टाइम निकालेगा वर्ड ऑफ गॉड पढ़ेंगे, हम लोग अपना लाइफ डेडिकेट करेगा गॉड में, बिकॉज़ जीसस इज अवेलेबल टू अस. ऑल वी नीड टू डू इज टू इनवाइट हिम एंड टू प्लीज हिम एंड टू ओबे हिम. Blessed is the one who desires to have a right relationship with God. Blessed is the person who desires to have a right relationship with God. Blessed is the person who desires to have a right relationship with God. Blessed is the person who desires to have a right relationship with God. When you are hungry and thirsty, then God will feel
God will fill us with His joy, His sweet presence, His anointing, His blessing, His grace, His joy, His satisfaction, and His faith, and His peace. And all these things the world cannot give you. जब हम लोग गॉड के भूखा प्यासा रखते हैं, गॉड हम लोग के फील करे अपना ब्लेसिंग से. और ट्रू सेटिस्फैक्शन ओनली कम्स फ्रॉम गॉड. जैसे साइमिस्ट बोले, डेविड बोले, एस द डियर थैंक्स फॉर द वाटर, सो माय सोल बिलोंग्स फॉर यू ओ लॉर्ड. क्या आज हम लोग के सोल गॉड के उस दिन, डस आवर सोल लॉन्ग फॉर गॉड की नहीं? तो यही मतलब आज बताए, हम लोग अपना लाइफ के एग्जामिन करें, हम लोग काम करें. Are we righteous? Are we seeking God? Broken of khosta hai, no bhuka hai, vyasa hai, parameshwar ke ki nahi? Kya hum ke relationship God ke saath mein theek hai ki nahi? Kya hum self righteous hai? Kya hum ke apna life ke change kare puri? Kya hum ghamand karta apna holiness mein? God maange ki hum uske paas aaye, apna aapke humble kare. They say great men of God, Bible mein David, Paul, Peter, kitna mighty cheez ke is God ke usse, but अपना आप के कभी घमंड नहीं करता रहा, क्योंकि कितना होली है, कितना स्पिरिचुअल है, और हम सब टाइम हम्बल रहता रहा. हम लोग ग्रेट मैन ऑफ गॉड बाइबल से सीखे कि हम लोग भी जब गॉड के पास आए, हम लोग हम्बल बन के आए, कि हम लोग सीनियर से एंड वी नीड ऑफ अ होली गॉड. आमेन. मैं बच्चा ना कौन सा सकते आशीष दे. लेट अस प्रे. Our gracious loving heavenly Father, we come to your divine presence in the name of your dear son Jesus. Lord, we come to you, thank you for your word that has been shared today, Lord. Lord Jesus, we pray, Lord, we seek and thirst for your righteousness, Lord. Make us your righteous child, Lord. Help us to follow your ways, Lord Jesus. Help us to learn from the great man of faith in the Bible, Lord, to live a life of humbleness, Lord. Take away every boasting and every pride from our lives, Lord. Help us to humble ourselves, come to you in true humbleness and repentance, Lord, and to live a life that brings glory and honor to your name, Lord, so that we may be called your righteous children, Lord. We commit the life of every member, Lord, into your loving hands, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. चलेगा तो हम लोग गिरेगा नहीं. आप हमेशा सभी को आशीष दे.